हेलो फ्रेंड्स, मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आप ट्रांसमीटर और रिसीवर की जो रेंज है उसे घटाकर या बढ़ाकर दिखाइए। तो आज इसी वीडियो में मैं आपको यह जानकारी देने वाला हूँ। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। जो मेरे पास यहाँ पर यह ट्रांसमीटर और रिसीवर है, यह 27 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर चलने वाला है। और मेरे पास काफ़ी ज़्यादा कमेंट आ रहे थे कि आपने यह कहाँ से बाय किया, तो इसका बाय लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप इसे जाकर बाय कर सकते हो। यहाँ पर आप देखिए, जो हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर है 27 मेगाहर्ट्ज़ फ्रीक्वेंसी पर ऑपरेट होता है। यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी की रेंज है उसे हम घटा या बढ़ाकर हम यहाँ पर अपनी रेंज को घटा या बढ़ा सकते हैं। तो इसके लिए हमें यहाँ पर जो फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है, जो ओसिलेटर सर्किट होता है ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर, हम उसकी ओसिलेटिंग स्पीड को कम या ज़्यादा करने वाले हैं। यहाँ पर जो हमारे ट्रांसमीटर और रिसीवर है, इसकी नॉर्मली रेंज 10 से 12 मीटर तक होती है। तो यहाँ पर जो 10 से 12 मीटर रेंज है, यह मैक्सिमम रेंज है। हम यहाँ पर इसे बढ़ा तो नहीं सकते, पर कम ज़रूर कर सकते हैं। यहाँ पर हम ज़्यादा डीप में तो नहीं जाने वाले हैं, पर मैं बेसिकली आपको बता दूँ, अगर हम इंडक्टेंस को घटा या बढ़ा दें तो हमारी फ्रीक्वेंसी कम या ज़्यादा हो सकती है। दूसरा एग्जाम्पल है, हम कैपेसिटेंस को घटा या बढ़ा दें तो हमारी फ्रीक्वेंसी चेंज हो सकती है। यहाँ पर जो हमारा इंडक्टेंस इस सर्किट के अंदर लगा हुआ है, ट्रांसमीटर और रिसीवर के अंदर लगा हुआ है, इसके अंदर यह फीचर है कि हम यहाँ पर इस फ्रीक्वेंसी को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, इंडक्टेंस को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। तो इसके लिए आपको केवल और केवल एक स्क्रू ड्राइवर चाहिए। उसके बाद यहाँ पर आपका जो ट्रांसमीटर और रिसीवर है उसके अंदर आपको यहाँ पर ये वाला जो इंडक्टर दिखाई दे रहा है, ये जो कॉइल बनी हुई है, इसके बीच में आपको यहाँ पर एक स्क्रू ड्राइवर की तरह एक स्क्रू मिलेगा। इसे आप जितना ज़्यादा नीचे की तरफ करोगे, यानी इसे जितना ज़्यादा आप क्लोज करोगे, आपकी फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा बढ़ जाएगी, मतलब आपकी रेंज बढ़ जाएगी। यहाँ पर यह रेंज मैक्सिमम तक जा सकती है। अगर आप यहाँ पर रेंज को कम करना चाहते हो तो आप इसे स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से ऊपर की तरफ कर सकते हो, बाहर की तरफ निकाल सकते हो। अब यहाँ पर देख सकते हो, हमने यहाँ पर जो रिसीवर है, रिसीवर की रेंज को कम कर दिया है। जो ट्रांसमीटर है, ट्रांसमिट तो कर रहा है सिग्नल को, पर जो रिसीवर है उसकी सिग्नल को रिसीव करने की कैपेसिटी काफ़ी कम है। मैं जैसे ही नज़दीक लेकर आ रहा हूँ तभी यह सिग्नल को आसानी से रिसीव कर रहा है। आप यहां पर देख सकते हो, इतनी दूर होने पर भी हमारा जो सिग्नल है वह ट्रांसमिट हो रहा है, पर रिसीव नहीं हो रहा है। अब मैं इसे अंदर की तरफ करने वाला हूं, क्लोज करने वाला हूं। अब आप देखना, हमारा तुरंत जो सिग्नल है आसानी से रिसीव होगा। फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो फेक लग रही है तो मैं यहां पर बिना किसी वीडियो कट के जो हमारे रेंज है उसे कम करूँगा और उसके बाद उसे बढ़ाकर भी आपको दिखाऊँगा। यहाँ पर आप देखिए, स्क्रू ड्राइवर की हेल्प से मैं जो स्क्रू है इसे ऊपर की तरफ ले रहा हूँ, इसका मतलब हमारे जो फ्रिक्वेंसी है उसे मैं घटा रहा हूँ, रेंज कम हो रही है। अब आप देखना, जैसे ही मैं बिना किसी वीडियो कट के यहाँ पर ट्रांसमिट कर रहा हूँ सिग्नल को, हमारा रिसीवर सिग्नल को रिसीव नहीं कर पा रहा है। और मैं यहाँ पर बिना किसी वीडियो कट के दोबारा से रेंज को बढ़ा रहा हूँ और हमारा ट्रांसमीटर तुरंत ट्रांसमिट करेगा और रिसीव भी होगा सिग्नल। यहाँ पर आप देखना, आप मैंने वीडियो के अंदर कोई भी एडिटिंग नहीं किया। यहाँ पर आप देखिए, प्रैक्टिकली मैं जैसे प्रेस कर रहा हूँ, हमारा जो सिग्नल है तुरंत रिसीव हो रहा है। यह जो फीचर है, यह हमारे ट्रांसमीटर के अंदर भी होता है। आप ट्रांसमीटर की रेंज को घटाया बढ़ा सकते हो। तो फ्रेंड्स, अगर आपको यह वीडियो पसंद आ रही है तो चैनल को आप सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलना। यहाँ पर मैं प्रैक्टिकली आपको दिखाने वाला हूँ कि हम ट्रांसमीटर की हेल्प से भी सिग्नल को कम या ज़्यादा कर सकते हैं, रेंज को कम या ज़्यादा कर सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपके पास भी ट्रांसमीटर और रिसीवर है उसकी वायरिंग आपको नहीं आती है तो इससे रिलेटेड मैंने वीडियो बना रखी है, आप हमारे चैनल पर जाकर वह वीडियो भी देख सकते हो। आप देखिए, प्रैक्टिकली रेंज को मैंने पहले कम किया और उसके बाद रेंज को मैंने बढ़ाया। आप देखिए, हमारा ट्रांसमीटर और रिसीवर अच्छी प्रकार से काम कर रहा है।